हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेख में हमने इंद्रधनुष पर 10 वाक् से संबंधित जानकारी प्रदान की है। तो दोस्तों, इस लेख को प्रारंभ से अंत तक अवश्य पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, आकाश में रंगीन चाप की जादुई और चमत्कारी घटना को इंद्रधनुष के रूप में जाना जाता है। सेकंड, इंद्रधनुष एक अंग्रेजी शब्द है जो लैटिन शब्द आर्कस प्लूवियस से लिया गया है। थर्ड, इंद्रधनुष आमतौर पर वर्षा से पहले या बाद में और सूरज उगने पर बनते हैं। हो, एक इंद्रधनुष में मौजूद 7 रंग बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। 5, श्वेत प्रकाश के साथ रंगों में विभाजित होने की घटना इंद्रधनुष के पीछे का तर्क है। 6, इंद्रधनुष आमतौर पर जहाँ सूर्य स्थित होता है उसके विपरीत छोर पर देखा जाता है। 7, इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब वातावरण में और धूप की उपलब्ध में पर्याप्त नम कण तैर रहे हों। 8, कभी कभी आकाश में केवल लाल रंग के इंद्रधनुष बनते हैं और इन्हें मोनोक्रोम इंद्रधनुष के रूप में जाना जाता है। 9, परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव 3 घटनाएं हैं जो एक साथ इंद्रधनुष बनाने के लिए होती हैं। 10, प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि इंद्रधनुष का दिखाना बुराई पर अच्छाई की जीत है। दोस्तों, अंत में मैं आशा करता हूं कि यह लेख आपको निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।